लिसन, अगर तुमको कोई लिक्विड गर्म करना है, ध्यान से सुनना, मैंने क्या कहा, कभी कोई लिक्विड अगर गर्म करना है तो कंटेनर चाहिए होगा, ऑब्वियस नहीं? अभी कंटेनर क्या है, कंटेनर सॉलिड है, उसके अंदर तुमने क्या डाला, लिक्विड। तो इस वेसल को देखो, वेसल के अंदर लिक्विड है, हम उसको गर्म कर रहे हैं, राइट? तो सबसे पहला हीट कौन रिसीव करेगा, सॉलिड रिसीव करेगा, लिक्विड तक पहुंचेगा नहीं। आई एम टॉकिंग अबाउट द वेरी बिगिनिंग, सबसे पहले वो हीट कौन रिसीव करेगा, सॉलिड रिसीव करेगा, और जो सबसे पहले हीट रिसीव करेगा वो सबसे पहले एक्सपांड भी करेगा। लिक्विड अपने जगह पर चुपचाप, उसका वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा, मैं बिगिनिंग का कहानी बता रहा हूँ। तो इनिशियली क्या होगा कि सॉलिड से उस हीट को एब्जॉर्व करेगा और एक्सपांड करना चालू करेगा। खुद सोच के देखो, अगर वो वेसल एक्सपांड करना चालू करेगा, इट्स वॉल्यूम विल इंक्रीज, इट विल हैव मोर स्पेस इनसाइड, सो व्हाट विल हैपन टू द हाइट ऑफ द लिक्विड इन द वेसल, इट विल डिक्रीज, राइट? बिकॉज और ज़्यादा जगह बनेगा, लिक्विड उस जगह को ऑक्यूपाई करेगा, तो लेवल ऑफ लिक्विड विल फॉल। डू एग्री विद दिस? इज दैट क्लियर? फिर कुछ देर के बाद क्या होगा, आफ्टर सम टाइम व्हाट विल हैपन इज दैट सॉलिड तो हीट एब्जॉर्व कर लेगा, नाउ इट इज टाइम फॉर द लिक्विड टू एब्जॉर्व द हीट। इज दैट क्लियर? तो इनिशियली क्या होता है, इनिशियली तुम्हारा कंटेनर जो कि सॉलिड से बना हुआ है वो एक्सपांड करता है, लिक्विड का लेवल फॉल करता है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद लिक्विड एब्जॉर्व करना चालू करता है, क्या सॉलिड एब्जॉर्व नहीं करेगा क्या, सॉलिड भी करेगा लेकिन इस वक्त लिक्विड भी करेगा। एक बात बताओ, किसका गामा ज़्यादा है, लिक्विड का गामा ज़्यादा है या सॉलिड का गामा ज़्यादा? लिक्विड्स एक्सपांड मोर एज कम्पेयर टू सॉलिड्स। तो अभी दोनों को हीट मिल रहा है, तो रिलेटिवली कौन ज़्यादा एक्सपांड करेगा, लिक्विड ज़्यादा एक्सपांड करेगा, सॉलिड उतना एक्सपांड नहीं करेगा। सो व्हाट विल हैपन टू द लेवल ऑफ लिक्विड इन द कंटेनर आफ्टर दैट, इट इज गोइंग टू इंक्रीज। नहीं आया समझ में? अरे भाई, वेसल जितना एक्सपांड नहीं हो रहा उससे ज़्यादा लिक्विड एक्सपांड हो रहा है। सो व्हाट विल हैपन टू द लेवल ऑफ लिक्विड इनसाइड द कंटेनर, इट इज गोइंग टू इंक्रीज। इज दैट क्लियर? समझ में? मैंने कहा इस पर क्वेश्चन आया है पहले, वो छोड़ना, क्वेश्चन आया काफ़ी है ना। इज दैट क्लियर? पक्का समझ में आया? ओके, अभी लेट्स से कि ये जो कंटेनर है, लेट्स से ये कंप्लीटली फिल्ड है, क्या माना मैंने, कंप्लीटली फिल्ड, इज दैट क्लियर? ओके, सो कैन आई से वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड एंड द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर इज द सेम, बिकॉज कंटेनर का जितना वॉल्यूम होगा लिक्विड का भी उतना ही वॉल्यूम होगा। इज दैट क्लियर? लेट अस से हमने सिस्टम का टेम्परेचर डेल्टी अमाउंट से इंक्रीज कर दिया, कितने अमाउंट से इंक्रीज किया, डेल्टी अमाउंट से, राइट? सो व्हाट इज द इंक्रीमेंट इन द साइज ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, कितना इंक्रीमेंट होगा, वी ऑल नो, राइट? कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ वेसल इज इक्वल टू वी गामा डेल्टी। इज दैट क्लियर? ओके, सो चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ द वेसल दैट इज इक्वल टू, इनिशियल वॉल्यूम को वी नॉट मान लेता हूँ, अभी वेसल के एक्सपांशन के बारे में बात कर रहा हूँ। इज दैट क्लियर? वेसल तो सॉलिड है, उसका गामा अलग होता है लिक्विड से, सो लेट अस से दैट इज गामा ऑफ वेसल इनटू डेल्टी। समझ में मैंने क्या कहा? इज दैट क्लियर? कि हमारे कंटेनर के वॉल्यूम में इतना चेंज आया, लिक्विड के वॉल्यूम में कितना चेंज आएगा, लिक्विड का भी इनिशियल वॉल्यूम कितना था, वी नॉट ही था, इज दैट क्लियर? लेकिन गामा इसका अलग है, इट्स डिफरेंट, राइट? हम यहाँ पर लिख देंगे गामा ऑफ लिक्विड इंटू डेल्टी। इज दैट क्लियर? नो, इट्स वेरी ऑब्वियस कि यार कंटेनर उतना एक्सपांड नहीं करेगा जितना लिक्विड करेगा, राइट? ओके, जस्ट फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन लेट अस से 10 लीटर का वेसल है, कितने का वेसल है, 10 लीटर का। तो ये वेसल जो है, वेसल इसका वॉल्यूम 10 लीटर से हो गया 15 लीटर, फॉर एग्जाम्पल, क्यों हुआ, एक्सपांशन हुआ, तुमने इसको गर्म किया, उसने हीट अब्जॉर्व किया, मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस बढ़ गया, एज अ होल वो एक्सपांड कर गया, तभी उसका वॉल्यूम कितना हो गया, 15 लीटर्स, वो 15 लीटर्स यू नो कैपेसिटी उसका, वो होल्ड कर सकता है। इज दैट क्लियर? अच्छा, पानी जो है यहाँ पर, लिक्विड जो है, पानी नहीं लिक्विड, इसका भी इनिशियल वॉल्यूम 10 लीटर था, एंड लेट अस सी इंक्रीज होके हो गया 17 लीटर्स, 10 लीटर से कितना इंक्रीमेंट आया, 7 लीटर का इंक्रीमेंट आएगा। ध्यान से सुनना, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, मैं फिर से कहता हूँ, वेसल जो है वो भी गर्म होता है, हीट एब्जॉर्व करता है, उसका वॉल्यूम 10 से 15 बन गया, लिक्विड जो है 10 से 17 बन गया। नाउ फॉर एन ऑब्जर्वर जो देख रहा है, उसको लिक्विड का वॉल्यूम इंक्रीमेंट कितना दिखाई देगा,
ओनली 2 liters. 7 liters नहीं दिखाई देगा. बात को समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? इसको apparent change in volume बोलते हैं. क्या बोलते हैं हम? apparent change. apparent मतलब false. is that clear? false weight, apparent weight सुना होगा ना? mg minus fb, वही राइट. सो यहाँ पर apparent change in the volume of liquid, because actually में लिक्विड के वॉल्यूम में कितना चेंज आया था? 7 liters का चेंज आया था, बिकॉज इनिशियली उसका वॉल्यूम था 10 liters. वॉल्यूम इंक्रीज होकर हो गया 7 liters. दैट इज द रियल चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड. बट वॉट इज द चेंज दैट वे दैट एन ऑब्जर्वर विल सी, जो उस कंटेनर को देख रहा है और उसमें लिक्विड को दिख रहा है, उसको कितना चेंज दिखाई देगा? 7. देखो लिक्विड कंटेनर जो है खुद चौड़ा हो गया. ट्राई टू अंडरस्टैंड, उसने अपने अंदर और कितने का स्पेस बनाया? और 5 liter एकोमोडेट करने का स्पेस बनाया. फिर से सुनो मैंने क्या कहा. कंटेनर जो है वो चौड़ा हो गया, बड़ा हो गया, उसका घर का साइज बड़ा हो गया. पहले उस घर में कितने लोग रहते थे? 10. अभी कितने लोग रह सकते? 15 liter रह सकते हैं. तो 5 liter का उसने एक्स्ट्रा स्पेस बनाया. अभी इसके अंदर जो लिक्विड रहता है ये भी एक्सपांड हो गया. और कितना एक्सपांड हुआ? एक्स्ट्रा 7 liters एक्सपांड हो गया. लेकिन इस एक्स्ट्रा 7 liters में 5 liter को तो घर मिल ही गया ना वहाँ पर, बिकॉज 5 liter का तो स्पेस बन ही गया था. एग्जैक्टली वो तो घुस जाएगा उस एक्स्ट्रा स्पेस में. किसको जगह नहीं मिलेगा? 2 liter को जगह नहीं मिलेगा. एंड देट विल बी शोन एज द इंक्रीमेंट और चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड. तो यहाँ पर एक अपेरेंट इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड है और एक क्या है? रियल इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड. बात को समझो, ठीक है ना? तो हम इसको ऐसे लिख देंगे, वी नॉट गामा रियल इंटू डेल्टी, राइट. दिस इज द रियल इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड. ये है 7 liter. ये जो डेल्वी लिखा ना हमने, ये क्या है? ये एक्चुअली इस कहानी में जो 7 liter है वही है ये 7 liter. बात समझ में आया? सो कैन यू टेल मी व्हाट इज द अपेरेंट इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड? जितना लिक्विड में रियल इंक्रीज आया 17 liter, उससे हम क्या करेंगे? वेसल के इंक्रीज वॉल्यूम को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे. तुम कहे नहीं आया समझ में? तो समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो चेहरे में बहुत बड़ा डाउट दिख रहा है मेरे. क्लियर है तेरे को मैंने क्या कहा? पक्का? हम क्या करेंगे? कितना इंक्रीज हुआ हम क्या करेंगे? 17 से 15 को माइनस करेंगे ना, या 7 से 5 को मैं, बिकॉज ये चेंज लिखा है मैंने. फॉर एग्जाम्पल ये क्या है? फॉर एग्जाम्पल दिस इज 7 liter. इसका इस कहानी के साथ मैंने जो नंबर्स लिया है ये कितना होगा? 5 liter. इसके साथ कंपेयर करो नंबर्स को. इज दैट क्लियर? तो चेंज इन द अपेरेंट वॉल्यूम ऑफ लिक्विड कितना होगा? 7 - 5, राइट. मतलब लिक्विड के वॉल्यूम में रियली जितना इंक्रीमेंट आया था उससे तुम क्या करोगे? वेसल के वॉल्यूम चेंज को क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे. इज दैट क्लियर? 7 में से तुमने 5 माइनस कर दिया. कोई डाउट? किसी को डाउट तो पूछ सकता है मुझे अभी. इज दैट क्लियर? ओके, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? डेल वी अपेरेंट वी नॉट गामा अपेरेंट इंटू डेल्टी, है ना? इसको हम क्या लिख सकते हैं? वी नॉट गामा रियल इंटू डेल्टी. कम ऑन. और यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? वी नॉट गामा ऑफ द वेसल इंटू क्या लिख सकते हैं? डेल्टी. तो देखो यहाँ पर वी नॉट कॉमन है, डेल्टी 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 कॉमन है. सिर्फ बचेगा गामा अपेरेंट इज इक्वल टू व्हाट? गामा रियल माइनस गामा ऑफ द वेसल, ठीक है ना? कभी कभी इसको हम 3 times ऑफ अल्फा ऑफ द वेसल भी लिख सकते हैं, बिकॉज गामा इज इक्वल टू व्हाट? 3 alpha. कभी कभी क्वेश्चन में बोल देगा कि वेसल का अल्फा इतना है, लेकिन तुम जब पुट करोगे तो गामा पुट करना है तुम, तो 3 alpha करके पुट कर दोगे. ये पता है तुम लोगों को? J2 वालों को पता है ना? अल्फा बीटा इज 2 times ऑफ अल्फा, गामा इज 3 times ऑफ अल्फा. सो एक एक्सप्रेशन है, गामा अपेरेंट इज इक्वल टू गामा रियल माइनस 3 times ऑफ अल्फा ऑफ वेसल. बोलो समझ में आया नहीं आया? ठीक है ना? लेट अस टेक एक केस जो बहुत कम होता है. लेट्स से कि हमने एक ऐसा वेसल लिया जो बहुत ज़्यादा एक्सपांड करता है एज कम्पेयर टू द लिक्विड. मतलब ठीक इस केस का उल्टा, वाइस वर्सा. बात समझ में आया? ध्यान से सुनो, अभी मैं नंबर्स इंटरचेंज कर दूंगा. वेसल का वॉल्यूम था पहले 10 liter, उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो गया 17 liter. अभी समझ में आ जाएगा तुमको कितना स्पेस है उसके पास? 17 liters का स्पेस है, लेकिन पानी का वॉल्यूम कितना इंक्रीज हुआ? 10 से 15 ही हुआ, राइट. तो उस घर में एक्स्ट्रा कितना लिक्विड रखने का स्पेस बनाया था उसने? 7 liter एक्स्ट्रा रखने का स्पेस बनाया था, लेकिन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड कितना इंक्रीज हुआ? 5. इज दैट क्लियर? तो 7 liter का जो जगह बना था उसमें तो 5 घुस ही जाएगा, बाकी 2 liter अभी भी बाकी है. तो क्या होगा? व्हाट विल हैपन टू द लेवल ऑफ लिक्विड? वो
और डिक्रीज होके उस एक्स्ट्रा वॉल्यूम में घुस जाएगा। समझ में आया? मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस वक्त अगर कोई ऑब्जर्वर देख रहा होगा वो ये देखेगा दैट द हाइट ऑफ द लिक्विड इन द वेसल हैज डिक्रीज्ड, हैज फॉलन डाउन या डिक्रीज्ड। समझ में आया? जस्ट इस कहानी का उल्टा कि वेसल ज़्यादा बड़ा हो गया, उसका वॉल्यूम ज़्यादा इंक्रीमेंट हो गया, लेकिन लिक्विड के वॉल्यूम में कम इंक्रीमेंट आया, तो हमको ये दिखाई देगा कि लिक्विड का वॉल्यूम डिक्रीज किया है, उसका जो हाइट है वेसल में वो घटा होगा। वेसल उतना बड़ा नहीं हो रहा, घर का साइज उतना बड़ा नहीं हो रहा, लेकिन घर में रहने वाला लिक्विड का वॉल्यूम बहुत बड़ा बड़ा बढ़ गया फॉर एग्जांपल। सो व्हाट विल हैपन टू द हाइट ऑफ द लिक्विड इन द वेसल, इट इज गोइंग टू राइज। तीसरा केस क्या होगा? कम ऑन, दोनों सेम है। फॉर एग्जांपल वेसल में जितना चेंज इन वॉल्यूम आया, लिक्विड के वॉल्यूम में भी अगर उतना ही चेंज आया, व्हाट विल हैपन टू द हाइट ऑफ लिक्विड इन दैट वेसल? इट विल रिमेन द सेम, राइट? वेसल ने जितना जगह बनाया, लिक्विड एक्सपांड होकर उतना ही जगह ऑक्यूपाई कर लिया, तो व्हाट विल हैपन टू द हाइट ऑफ द लिक्विड इन द वेसल? द हाइट ऑफ द लिक्विड इन द वेसल इज नॉट गोइंग टू चेंज। इज दैट क्लियर? पक्का? कोई डाउट? बीच में टैप ना। हो गया? ओके, लेट्स सी दिस। देखो, ए 1 लीटर ग्लास कंटेन्स सम मर्क्यूरी। लेट अस से कि एक कंटेनर लेते हैं, इसमें मर्क्यूरी है, इसका वॉल्यूम तो 1 लीटर दिया हुआ है। 1 लीटर कितना मीटर की होता है? 1000 मीटर। कितना बताया तुमको? 1000 मीटर। 1 लीटर का पानी का बॉटल देखा कितना होता है? इसने 1000 मीटर क्यों बोला है? 1 मीटर कितना होता है? मैं बस फील दे रहा हूँ। 1 मीटर कितना होता है? इतना होता ही नहीं होता। 1000 मीटर का क्यों मतलब क्या? 10 मीटर, 10 मीटर और 10 मीटर। इधर। देखो ये, और इस रीजन में क्या, ध्यान से देखो, इस रीजन में क्या है? देयर इज एयर, है ना हवा इस रीजन में, और ये रीजन में क्या है? देयर इज मर्क्यूरी। इज दैट क्लियर? अभी बोला है कि ये जो वॉल्यूम है, ये दिख रहा है ना, ये वाला वॉल्यूम हवा का वॉल्यूम है। इट इज फाउंड दैट एट डिफरेंट टेम्परेचर्स द वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड द फ्लक्स रिमेन्स द सेम। इसका वॉल्यूम चेंज नहीं होता। मैंने इसे टेम्परेचर बढ़ा दिया, अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया तो ये वेसल भी चौड़ा हो जाएगा, मर्क्यूरी भी चौड़ा हो जाएगा, लेकिन हवा का वॉल्यूम अगर सेम रखना है तो वेसल के वॉल्यूम में जितना इंक्रीमेंट आया है उतना इंक्रीमेंट मर्क्यूरी में भी आना पड़ेगा। मैंने जस्ट नाउ दिखाया तुमको, और एक बार, वॉल्यूम ऑफ वेसल माइनस वॉल्यूम ऑफ मर्क्यूरी, यही होता है वॉल्यूम ऑफ एयर। गर्म कर दोगे तो वॉल्यूम तो इंक्रीज करेगा। लेट अस से वेसल का वॉल्यूम अगर x से इंक्रीज करता है तो मर्क्यूरी का भी वॉल्यूम x से ही इंक्रीज होगा, तब जाके वॉल्यूम ऑफ एयर क्या रहेगा? कॉन्स्टेंट। इज दैट क्लियर? तो यहां पर तुम क्या लिखोगे? चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ वेसल शुड बी इक्वल टू द चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ मर्क्यूरी। इसमें अगर x का इंक्रीमेंट आया, इसमें भी x का ही इंक्रीमेंट आएगा। डेल वी वेसल क्या होगा? एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द वेसल गामा ऑफ द वेसल इंटू डेल टी, है ना? और चेंज इन मर्क्यूरी कितना होगा? वॉल्यूम ऑफ मर्क्यूरी, यही निकालने दिया था, यही निकालने दिया था कि एक्चुअल वॉल्यूम। ये वॉल्यूम ऑफ वेसल तो दिया हुआ है 10^-3 मीटर क्यूब, 1 लीटर। अरे बोलो ना, ये दिया हुआ है। गामा ऑफ वेसल दिया हुआ है, देखो अल्फा दिया हुआ है, यस यू नो दैट, राइट? 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फाइन। इधर क्या होगा? गामा ऑफ एच ई इंटू डेल टी, डेल्टी डेल्टी चला गया। गामा ऑफ वेसल, गामा ऑफ मर्क्यूरी यहाँ पर गिवन डाटा से लिख दोगे और सिर्फ बचेगा क्या? वी ऑफ एच, बस ये निकालना है ना। मैं आंसर नहीं निकालना, तुम कर सकते हो इसको। ये होगा, ठीक है? ठीक है, पक्का? कोई डाउट? ओके, चलो डन। दो बार हो गया, डाउट होना नहीं चाहिए। ये क्वेश्चन एकदम आसान है, वेरी सिंपल, राइट? देखो, ए 250 cm³ ऑफ ग्लास बॉटल, सो दिस इज द ग्लास बॉटल, इसका वॉल्यूम कितना है? 250 cm³, ठीक है ना? इज कम्प्लीटली फिल्ड विद वाटर, फुल्ली फिल्ड है। द वाटर इन द बॉटल आर हीटेड फ्रॉम 50°C टू 60°C, 50 से 60 करेंगे तो वेसल भी एक्सपांड करेगा और पानी ज़्यादा एक्सपांड करेगा, टू एक्सपेक्ट द पानी टू ओवरफ्लो। कितना ओवरफ्लो करेगा? जितना पानी का जगह बना नहीं है,
डेल वी एपरेंट निकाला था ना हम लोगों ने, राइट? एक्स्ट्रा जो वॉल्यूम ऑफ पानी जिसका जगह उस वेसल ने बनाया नहीं, वो पानी क्या कर जाएगा? गिर जाएगा। मतलब कैसे निकालेंगे हम उसको? हम पहले ये निकालेंगे कि पानी के वॉल्यूम में कितना चेंज आया, डेल वी ऑफ द लिक्विड। फिर हम क्या निकालेंगे? डेल वी ऑफ द कंटेनर। एंड डेफिनेटली डेल वी ऑफ द लिक्विड विल बी मोर देन डेल वी ऑफ द कंटेनर। लिक्विड ज़्यादा एक्सपांड किया होगा, कंटेनर एक्सपांड किया होगा लेकिन उतना नहीं। इज दैट क्लियर? जो लिक्विड में एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट आया, मतलब डेल वी ऑफ द लिक्विड माइनस डेल वी ऑफ द कंटेनर। बात समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल लिक्विड में चेंज इन वॉल्यूम आया, 5 लीटर लिक्विड का वॉल्यूम बढ़ गया, लेकिन वेसल का वॉल्यूम कितना बढ़ा? सिर्फ 3 लीटर। चेंज इन वॉल्यूम का बात कर रहा हूँ मैं, पानी का वॉल्यूम कितना चेंज हुआ, कितना इंक्रीज हुआ? 5 लीटर। और वेसल ने अपने अंदर और कितना एक्स्ट्रा स्पेस क्रिएट किया? सिर्फ 3 लीटर का एक्स्ट्रा स्पेस क्रिएट किया। इज दैट क्लियर? तो पानी के केस में जो 5 लीटर का इंक्रीमेंट आया पानी के वॉल्यूम में, 5 में से 3 तो वेसल में ही ऑक्यूपाई हो जाएगा, बिकॉज वेसल ने जगह बनाया 3 लीटर का, लेकिन बाकी 2 लीटर उसके लिए तो जगह है नहीं, वो क्या कर जाएगा? वो ओवरफ्लो कर जाएगा। मतलब मैं सिंपली ये बताना चाहता हूँ कि अगर तुमको ओवरफ्लो लिक्विड निकालना है तो क्या करना है? डेल वी ऑफ द लिक्विड माइनस डेल वी ऑफ द वेसल। इज दैट क्लियर? सबसे पहले डेल वी ऑफ द लिक्विड निकालते हैं। ये डेल वी ऑफ पानी कितना होगा? वी गामा ऑफ पानी इंटू डेल वी। बात को समझो, व्हाट इज द इनिशियल वॉल्यूम? देखो वेसल का जितना वॉल्यूम था और पानी कंप्लीटली फिल्ड था, तो दोनों का वॉल्यूम क्या रहेगा? सेम। इज दैट क्लियर? तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे? 250 cm³। यूनिट में ध्यान देना, ठीक है ना? गामा ऑफ पानी कितना दिया हुआ है? 60 × 10⁻⁵ °C इंटू डेल्टी। डेल्टी कितना होगा? 60 - 50, दैट इज ऑल्सो 10 °C, है ना? तो आंसर किस में आएगा? सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। क्या नहीं, किसने किया ये? 1.5 कितना होगा? 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है? इज दैट क्लियर? इतना वॉल्यूम इंक्रीज हुआ। व्हाट इज द चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द वेसल? वॉल्यूम ऑफ द वेसल इनटू गामा ऑफ द वेसल इनटू डेल्टी। सो व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द वेसल इन दिस केस? 250 cm³। कम ऑन, इस तरफ। और इस गामा ऑफ द वेसल, देखो वेसल का अल्फा दिया हुआ है, गामा निकालने के लिए इसके साथ 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो दैट इज 3 × 1.2 × 10³⁵ डिवाइडेड बाय व्हाट? केल्विन इनटू चेंज इन टेम्परेचर। क्या होगा? इसको भी केल्विन में लिखना है, लेकिन बात को देखो, केल्विन में लिखना है तो 60 के साथ मैं प्लस 273 करूंगा, 50 के साथ भी 273 करूंगा, माइनस करूंगा तो क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। जब हम डिफरेंस निकालेंगे, इससे भी 273 और इससे भी 273 क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो इसको भी हम क्या लिख सकते हैं? 10 केल्विन ही लिख सकते हैं। समझ आया क्या? ओके, बस ये कैंसिल आउट हो जाएगा। सेंटीमीटर क्यूब में कितना है बताओ? ओए बताओ, पॉज कर। ओके फाइन, सो ये हो गया। दिस इज चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ द वेसल एंड दैट इज व्हाट वी एक्सपेक्टेड। हमने क्या एक्सपेक्ट किया था भाई? कि लिक्विड के वॉल्यूम में ज़्यादा चेंज आएगा और वेसल के वॉल्यूम में कम इंक्रीमेंट आएगा। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला है, एक्सपांशन ऑफ द बॉटल इफ़ द एक्सपांशन ऑफ द बॉटल इज नेग्लेक्टेड। मतलब हमने माना ही नहीं कि वेसल का वॉल्यूम में कोई चेंज आया, तो पानी के वॉल्यूम में जितना चेंज आया होगा 1.5 cm³, सारा का सारा ओवरफ्लो हो चुका होगा। इज दैट क्लियर? सेकेंड केस में इफ़ द एक्सपांशन ऑफ द बॉटल इज इंक्लूडेड, तो क्या होगा? इन दिस केस 1.5 का इंक्रीमेंट आया था और 0.09 का जगह बन चुका था, बाकी जिसका जगह बना नहीं वही क्या कर जाएगा? ओवरफ्लो करके निकल जाएगा, है ना? इज दैट क्लियर? ओके, बस करता नहीं हो तुम लोग, कर पाओगे इसके बाद, ठीक है ना? डन। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर डेंसिटी? मास बाय वॉल्यूम। मास टेम्परेचर के साथ बदलता नहीं है, तो अगर डेंसिटी बदल रहा है उसका सोल रीजन क्या है? बिकॉज वॉल्यूम चेंज हो रहा है, राइट? सो इन दिस केस आई कैन से डेंसिटी is inversely proportional to what? Volume. Is that clear? Density in this case is inversely proportional to volume. So let us say this is a temperature T. Agar temperature badal jayega to density bhi badal jayega because volume badal chuka hoga. Right? So rho dash is inversely proportional to what? V dash. This is a temperature T plus
डेल्टी. इज दैट क्लियर? नाउ वी ऑल नो द कनेक्शन बिटवीन वी डैश एंड वी, राइट? वी नो दैट वी डैश इज इक्वल टू वी वन प्लस गामा ऑफ द लिक्विड इनटू डेल्टी. इज दैट क्लियर? अच्छा, लेट अस से दिस इज इक्वेशन टू, लेट अस से दिस इज इक्वेशन वन. एकदम सिंपल है. टू डिवाइडेड बाय वन इज रो डैश बाय रो इज इक्वल टू वी बाय वी डैश, है ना? बिकॉज दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल. ऊपर रो डैश है तो वी डैश नीचे जाएगा, नीचे रो है तो ऊपर वी जाएगा. ओके, सो दिस इज वी. वी डैश की जगह वी वन प्लस गामा ऑफ द लिक्विड इन टू डेल्टी. डू एग्री विद दिस? कम ऑन. तो वी भी चला गया, तो यहाँ से हम रो डैश को क्या लिख सकते हैं? रो डिवाइडेड बाई वन प्लस गामा ऑफ द लिक्विड इन टू डेल्टी, ये लिख सकते. देखो इस एक्सप्रेशन में कोई एरर नहीं है. अभी मैं जो नेक्स्ट एक्सप्रेशन लिखने वाला हूँ उसमें थोड़ा बहुत एरर होगा, और मैं ये मान के लिखने वाला हूँ कि डेल्टी का वैल्यू बहुत छोटा है. इफ डेल्टी वेरी स्मॉल, तो हम रो डैश को क्या लिख सकते हैं? रो वन प्लस गामा ऑफ लिक्विड इन टू डेल्टी. पहले तो ऐसा लिख सकते हैं, फिर हम इसको बाइनोमियल एक्सपांड करेंगे, और पता है ना हायर पावर्स को नेग्लेक्ट करेंगे और माइनस वन इधर आ जाएंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे उस पावर को, तो क्या आ जाएगा? रो वन माइनस गामा ऑफ लिक्विड इंटू डेल्टी. बस इतना ही है, याद रहेगा ना ये चीज़. सबसे इम्पोर्टेंट तो ये फॉर्मूला है, ये याद रखना. ये याद है तो ये तो हो ही जाएगा, ठीक है? इधर सुनो एवरीवन, दिस साइड, इधर सुनो. देखो हमको ये पढ़ना है कि टेम्परेचर का इफेक्ट अपथ्रस्ट में कैसा होता है. अपथ्रस्ट मतलब फोर्स ऑफ आयंस. इज दैट क्लियर? अच्छा, सो सबसे पहले हम ऐसे एक बॉडी को इमेजिन करेंगे जो ऑलरेडी पूरा का पूरा डूबा हुआ है. दो केसेस लेंगे, एन ऑब्जेक्ट विच इज फ्लोटिंग, और सेकेंड केस, मतलब ऑब्जेक्ट विच इज फ्लोटिंग सेकेंड केस होगा. पहला केस क्या है? जो कि पूरा डूबा हुआ है. इज दैट क्लियर? तो लेट अस से एक ऑब्जेक्ट है जो पूरा डूबा हुआ है, इस पे फोर्स ऑफ आयंस एफ भी लग रहा होगा. इज दैट क्लियर? इसका वॉल्यूम हमने वी मान लिया, रो इज द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, चलेगा? तो कैन यू टेल मी व्हाट इज फोर्स ऑफ आयंस इन दिस केस? वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेसमेंट. वी ऑल नो कि इस बॉल का खुद का जितना वॉल्यूम होगा उतना ही वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इसने डिस्प्लेस किया होगा. इज दैट क्लियर? सो वी इन टू मास ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, रो ऑफ लिक्विड, ये हो गया मास इन टू जी. क्या हो गया? याद है ना? सो दिस इज एट टेम्परेचर टी. वॉट विल नमन, वॉट विल हैपन इफ द टेम्परेचर चेंजेस? लेट अस से टी प्लस डेल्टी. इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन में क्या चेंज आएगा? देखो जी तो कभी चेंज नहीं होगा, डेंसिटी में चेंज आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द बॉल में भी चेंज आ जाएगा. इज दैट क्लियर? ध्यान देना. और इसका डेंसिटी में सिग्मा ले लेता, ठीक है ना? सिग्मा भी बदल जाएगा. ओके, सो एफ डैश बी कितना होगा? वी डैश इंटू रो डैश ऑफ लिक्विड इंटू जी. इज दैट क्लियर? ओके, नाउ कैन यू टेल मी द रिलेशन बिटवीन वी डैश एंड वी? भूलो मत, ये वी किसका वॉल्यूम है? ये सॉलिड बॉडी का वॉल्यूम है, राइट? सो इज द कनेक्शन बिटवीन वी डैश एंड वी? वी डैश इज इक्वल टू वी वन प्लस गामा ऑफ द सॉलिड इंटू डेल्टी. इज दैट क्लियर? अच्छा, एंड वॉट इज द कनेक्शन बिटवीन रो डैश एंड रो? अभी बताया था रो डैश ऑफ द लिक्विड इज वॉट? रो ऑफ द लिक्विड डिवाइडेड बाई वन प्लस गामा ऑफ द लिक्विड इंटू डेल्टी. डू एग्री विद दिस? कम ऑन. पक्का? डू यू ऑल्सो एग्री दैट गामा ऑफ द लिक्विड विल बी मोर देन गामा ऑफ द सॉलिड? इनफैक्ट सॉलिड का गामा तो सबसे कम होता है. सॉलिड है यार, वो ज़्यादा एक्सपांड नहीं करेगा. इज दैट क्लियर? अभी हम कंपेयर करते, लेट्स कंपेयर देम. लेट अस से दिस इज अ टेम्परेचर टी प्लस डेल्टी. Let us say this is 2, let us say this is 1. So 2 divided by 1, kya milta dekhte? That is f dash p divided by fp. Ji ji cancel out ho gaya. F dash b ke jagah upar kya aayega? V dash, right? Rho dash of liquid. Niche kya aayega? V, rho of liquid. Kisi ko koi doubt? Okay, V dash ko kya likh sakte? 1 प्लस गामा
ऑफ द सॉलिड, लिख सकते हैं? देखो देखो ऊपर भी एक वी आएगा, नीचे पहले से ही वी है, सो दैट वी एंड ऊपर वाला वी दे विल कैंसिल आउट. इज दैट क्लियर? अच्छा, ऊपर एक रो डैश है, नीचे एक रो है. रो डैश की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? रो डिवाइडेड बाई 1 प्लस गामा ऑफ लिक्विड इनटू डेल्टी. तो यहाँ पर जो रो था, नीचे जो रो है, इट विल ऑल्सो कैंसिल आउट, सिर्फ यही बचेगा. सो कैन वी कंक्लूड एनीथिंग? यह इस तरफ ये दिख गया, यहां से कुछ कंक्लूड कर सकते हो? कैन यू कंक्लूड एनीथिंग फ्रॉम दिस? कम ऑन, ध्यान से देखो, न्यूमरेटर भरा है या डिनोमिनेटर भरा है? कम ऑन, डिनोमिनेटर में गामा लिक्विड है भाई, ऊपर वन नीचे वन, इधर डेल्टी इधर डेल्टी, नीचे इधर गामा लिक्विड, इधर गामा सॉलिड है. डिनोमिनेटर बड़ा है, इट विल बी ए फ्रैक्शन एंड दिस क्वांटिटी इज व्हाट, लेस देन 1, व्हिच मींस f डैश b विल बी लेस देन व्हाट, fb. मतलब f डैश b का वैल्यू fb से क्या होगा, छोटा होगा. तो हमने क्या समझा? हमने ये समझा कि अगर हम किसी लिक्विड को, इसको गर्म किया बेसिकली, राइट, लिक्विड के अंदर वो ऑब्जेक्ट था, दोनों को गर्म कर दिया, तो लिक्विड का डेंसिटी भी चेंज हो गया, वो बॉडी जो है वो भी एक्सपांड कर गया. इज दैट क्लियर? ओवरऑल फोर्स ऑफ बायंसी में क्या फर्क पड़ता है? फोर्स ऑफ बायंसी घट जाता है, इट विल डिक्रीज. इज दैट क्लियर? पक्का? चलो ओके, दिस इज द लास्ट केस. बॉडी ऑलरेडी फ्लोट कर रहा है, हमने पूरे सिस्टम को गर्म कर दिया, राइट, बॉडी अभी भी फ्लोट ही कर रहा है. सो व्हाट विल हैपन विद द फोर्स ऑफ बायंसी? इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा? Come on, give it a try. It will be same, it will not change. भाई float कर रहा है, तो force of buoyancy, एक मिनट, force of buoyancy किसको balance करेगा? हमेशा mg को ही balance करेगा. Try to understand. In this case, force of buoyancy की value में तो कोई change नहीं आएगा, लेकिन एक parameter में तो change आएगा. ध्यान से देखना. Let us say ये कुछ इतना portion डूबा हुआ है. Try to understand. गर्म करने पहले T temperature पे. तो बात को समझो, इस पर्टिकुलर वॉल्यूम ऑफ लिक्विड के लिए जितना फोर्स ऑफ बायंसी बना है, तो हम इसको गर्म कर देंगे, इस पर्टिकुलर वॉल्यूम के लिए जितना फोर्स ऑफ बायंसी होगा वो घट जाएगा. अभी तो समझाया था कि गर्म करने से फोर्स ऑफ बायंसी का वैल्यू क्या होता है, घटता है. ट्राई टू अंडरस्टैंड, अभी मैं क्या कह रहा हूं, अभी मैं कह रहा हूं इस पर्टिकुलर इमर्ज्ड वॉल्यूम, ये जो वॉल्यूम है, ये इसका जो वेट है, उसका वेट ही तो है फोर्स ऑफ बायंसी. बात समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? तो अगर मैं सिर्फ इसको कंसिडर करूं, इस पर्टिकुलर डूबे हुए यू नो ऑब्जेक्ट ने जितना वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस किया है, उसके कारण जो फोर्स बायंसी है, सिर्फ उसको अगर मैं कंसिडर करूँ, वो तो घट गया ना, तब क्या होगा? फोर्स बायंसी थोड़ा घट गया, लेकिन बॉडी का वेट ज़्यादा हो गया. सो व्हाट विल हैपन विद द बॉडी? बॉडी और थोड़ा और एक्स्ट्रा डूबेगा, फ्लोट अभी भी करेगा, लेकिन व्हाट विल हैपन टू द डेप्थ ऑफ इमर्शन? इट विल इंक्रीज. बिकॉज पहले जितना डूबा हुआ पानी फोर्स ऑफ बायंसी दे रहा था, पहले जितने में डूबा हुआ था, जितना लिक्विड उसने डिस्प्लेस किया पहले, उस पर्टिकुलर लिक्विड का जो एफ बी है वो घट चुका है, वो अभी एम जी को और बैलेंस नहीं कर पाएगा. क्यों घटा? अभी तो बताया था एफ डैश बी इज लेस देन एम बी. इज दैट क्लियर? तो उसको बैलेंस नहीं कर पाएगा. तो एम जी को अगर बैलेंस करना है, तो और ज़्यादा लिक्विड को क्या करना पड़ेगा? उसको डिस्प्लेस करना पड़ेगा, तब जाके वो जो नया एफ बी होगा वो फिर से किसको बैलेंस करेगा? एम जी को बैलेंस तो करेगा, मतलब लिक्विड डिस्प्लेस इन दिस केस विल बी मोर, लिक्विड डिस्प्लेस इंक्रीज हो जाएगा. इज दैट क्लियर? पक्का? पॉज करना.